सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनली अमेजोन की तरफ से आ चुकी है लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है। सारी चीज़ों को वन बाई वन यहाँ कवर करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कैसे आपको सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है, हर चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर से देखना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत, अगेन आपके लिए लेकर आ चुकी है अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि आपकी ड्रीम कंपनी अमेजोन की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसी आई है। कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है, वो भी अमेजोन में। कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर कोई आप इस यहाँ एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ को वन बाई वन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, सो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.collegeVidya.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, हमारी ऑफिशियल साइट को अगर आप सीधा गूगल पे टाइप कर पाएं, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे अमेजोन की आई हुई बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपके कोई इंटरव्यू नहीं है, हर कोई आप में से यहाँ पर एलिजिबल है और इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकता है। अगर आप टाइप ऑफ जॉब की बात करें तो ये आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है, लैपटॉप वाईफाई कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही है, तो हर कोई आप में से यहाँ एलिजिबल है और डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। हर चीज़ को डिटेल में कवर करते जाएंगे, जॉब प्रोफाइल काम क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होनी है और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझिएगा। सारी चीज़ें आपकी इसी पे डिपेंड करती है। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का। सबसे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आया है, वो आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक तो नोटिफिकेशन देखिए आ चुका है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस का, एक आ चुका है फ्लिपकार्ट का। ये दोनों वीडियोस इसके बाद इवनिंग में आएंगी हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब लिखना मीत शर्मा चैनल, आपको पहले नंबर पे ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी फोटो लगी हुई है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करें अमेजोन की नई जॉब वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं अमेजोन की तरफ से हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ड्रीम कंपनी है अमेजोन। अगर आप में से कोई अवेयर नहीं, आपको बता दूं अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है, जहां पे आप अलग अलग प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कैटेगरी से मेरा मतलब है जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, क्लोथिंग से रिलेटेड आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक ई कॉमर्स कंपनी है, इनकी तरफ से अपडेट आया है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यहाँ पर कोई फी भी पे नहीं करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अमेजोन कभी आपको किसी जॉब प्रोसीजर के लिए पे करने को नहीं बोलता है, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई शुरू हो गया है, जल्दी जाकर आपको अप्लाई कर लेना है, मेल फीमेल दोनों को। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, कभी अमेजोन नहीं आपको बोलता किसी भी जॉब के लिए पे करने को, फ्री में आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज तो काफ़ी टाइप की है, लेकिन एक ऐसी मेजर वैकेंसी जो आई हुई है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रही हूँ, जो वर्क फ्रॉम होम भी है, लैपटॉप वाईफाई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, कोई आपके इंटरव्यू भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई फ़ी भी नहीं है, उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। वैसे तो वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग आउट हुई है, VCS की है, ठीक है, जो कि वर्क फ्रॉम होम है ये भी, उसके बाद ये वर्क फ्रॉम ऑफिस की है, जैसे प्रोसेस एसोसिएट, प्रोसेस असिस्टेंट की है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, कॉरपोरेट डेवलपमेंट की है, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट की है और डिजिटल कंटेंट एसोसिएट की है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी जो अलग प्रोफाइल आई है वर्क फ्रॉम होम की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कैसे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका चाहिए, ठीक है, इसके अलावा ID प्रूफ आपको चाहिए होगा, बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। बेनिफिट देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे लैपटॉप वाईफाई का बेनिफिट तो आपको है ही, सैलरी भी है, प्लस अदर अलाउंस जो कि यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। आपकी एज 18 प्लस जितनी भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो,
लास्ट में आपको यहाँ लिंक मिल जाएंगे, पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है जिस प्रोफाइल के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। और आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, कहीं नहीं जाना, घर पर बैठकर काम करना है, ठीक है। क्लिक करना यहाँ पे, ऐसे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो प्रोफाइल आई हुई है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की है, रिमोट जॉब है ये आपकी प्योरली, ठीक है, घर पर बैठ कर ही आपको काम करना है। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होनी है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंटरव्यू कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जॉब रोल के बारे में इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट रहेंगे अमेज़न की तरफ से कस्टमर इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है। कस्टमर या इनके जो भी क्लाइंट है उनकी कोई भी क्वेरी है उसको बेसिकली आपको यहाँ रिजॉल्व करना है, यहाँ पे इन्होंने सीधा मेंशन भी किया हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रीड भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कस्टमर को सपोर्ट करना है, जो भी इनके ड्राइवर्स है जो शिपिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उनको आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज जो पार्टनर हैं उनको आपको इंश्योर करना है सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें जो भी टेक्निकल टास्क आ रही है अमेज़ोन की वेबसाइट पर, ठीक है, उसको आपको रिजॉल्व करना है। सारी ट्रेनिंग अमेज़ोन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला है, ये आप सारा कुछ यहाँ रीड कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपको ज्वाइन अमेज़ोन नाउ पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको सारी वैकेंसी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुल टाइम पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम परमानेंट भी है, ठीक है, सारी अलग अलग वैकेंसीज है सेम प्रोफाइल के लिए। अगर कोई कैंडिडेट पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम के लिए ये प्रोफाइल आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करा यहाँ पे देखिए वर्क एड्रेस में क्या लिखा है इन्होंने, रिमोट है, ठीक है, मतलब घर पर बैठ के काम करना है। ड्यूरेशन में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दो मंथ के लिए रख रहे हैं, ये परमानेंट आप घर से काम कर सकते हैं जब तक आप चाहते हैं, ठीक है, कंपनी आपको नहीं बोलेगी कि आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे सारा कुछ ये लिखा हुआ जो मैंने आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी समझाया हुआ है। वर्क फ्रॉम होम की ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज आई है, एज मिनिमम 18 है, ठीक है, मैक्सिमम जितनी भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रोटेटिंग शिफ्ट भी आपकी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे स्किल्स चाहिए, आप हार्डवर्किंग होने चाहिए, आर्टिकुलेट होने चाहिए, इसके अलावा आप डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, आप फ्रेंडली होने चाहिए, और आपका आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए कस्टमर फोकस, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में कई बार होता है कि कस्टमर आपसे कुछ और पूछ रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर आप उनके साथ ओवर द कॉल बात कर रहे हैं तो आप साथ में टाइपिंग भी कर पाए, ठीक है। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट है, पेंशन प्लान है, इंटरनेट बेनिफिट, और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। वर्क असेसमेंट मतलब आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे आपको देना होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे नया पेज आपके सामने ओपन होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है क्योंकि बिल्कुल नई वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे अगेन आपके सामने ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, इधर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके इधर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, आपको लॉगिन करने को बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखें, लॉगिन करें, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, मतलब अप्लाई करें यहाँ से। तो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आपने अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू ही डेफिनेटली रजिस्टर किया होगा, तो वो लिख के नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब कहाँ से पास आउट किया, लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करके सबमिट कर देना है। बट उससे पहले आप लॉगिन कैसे कर पाएंगे, अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको पहले यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप यहाँ यूज़ करेंगे वही यहाँ लिख के आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। क्रिएट वन पे आप क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, सरनेम, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम, प्रेफर्ड सरनेम, ईमेल आईडी, री एंटर करना ईमेल आईडी को, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, प्रेफर्ड लैंग्वेज आपकी कौन सी है वो आप लिखेगा, अपना पासवर्ड यहाँ पे रखना है, उसको री एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा जैसे आप चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बस जो आपने ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ यूज़ किया वो आप यूज़ करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है आपकी ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के बेसिस पे हो रही है, कोई इंटरव्यू नहीं है उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। तो ध्यान से यहाँ पे आप अटैम्प्ट करिएगा अपना टेस्ट, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपके यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। बट
बट उससे भी पहले आप अपना लेटेस्ट रिज्यूमे एक अट्रैक्टिव सा बनाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कोई भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे, आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और एक मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट पोस्ट ऑफिस, दोनों नई वैकेंसीज आके इसके बाद इवनिंग में हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा पर ये वीडियोज आने वाली है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपकी क्वेरी है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ हमारी टीम बैठी है, डेफिनेट रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।